हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरी टेक्निकल। दोस्तों, आज मैं आपको मिनी इन्वर्टर का कनेक्शन बताऊंगा। तो चलिए इसका आरपीएस किट का किस तरह से कनेक्शन होता है वो जान लेते हैं। देखिए, ये मेरा 12 वाट का एलईडी बल्ब है, देख सकते हैं। तो 12 वाट का एलईडी बल्ब को जला के दिखाऊंगा आपको। तो ये 100 वाट का आरपीएस किट है। अगर आप छोटा मोटा 5-10 लाइट अगर एलईडी का घर पर जलाना चाहते हैं तो ये आरपीएस किट आप मार्केट से खरीद के ला सकते हैं और घर पर जला सकते हैं। और दोस्तों, इसका दाम ज़्यादा नहीं है, एकदम कम दाम है आरपीएस किट का। और ये आप खरीद के ला के घर में एलईडी जला सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर चाहिए जो मेरे पास, देखिए 3 एम्पियर का है। तो इसका पहले कनेक्शन जा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो 2 वायर है जिसमें हम लोग एसी देते हैं ट्रांसफार्मर का, इसमें हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। ये आउटपुट का इसको आउटपुट लेंगे। तो मैं इसी में इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, इस एलईडी का। तो इसमें कनेक्शन कर लेता हूँ, मैं ऑलरेडी कनेक्शन करके रखा हूँ। आप लोगों को कनेक्शन बतला दूँगा मैं। तो ये देखिए, ये इसका 2 कनेक्शन मैंने कर दिया। ये तो एलईडी का कनेक्शन हो गया है जो हम लोग का आउटपुट आएगा। उसके बाद में दोस्तों, ये देखिए, ये आरपीएस किट का कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसका कनेक्शन कर लिया हूँ। ये 2 MOSFET लगा है, इसका दोनों मिडिल वाला लेग में आपको कनेक्शन 2 वायर निकाल लेना है। और दोस्तों, एक देखिए, ये अलग तरह से एक स्क्वायर टाइप में होगा, हॉल होगा, यहाँ पे आपको कनेक्शन करना है 1 वायर का। और ये देखिए, ये जो ब्लू वाला वायर है इसका कनेक्शन करना है आपको, ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं ये छोटा वाला, इसका बीच वाला लेग में है। तो इस तरह से कनेक्शन कर लीजिएगा। और ये देखिए, ये आपका 12012 का जो ट्रांसफार्मर 12 ग्रीन वाला 12 है, ये येलो वाला 0 है, ये फिर 12 है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कनेक्शन है। तो चलिए पहले ये जो मॉस्फेट से 2 वायर निकला हुआ है, ये हमें 12 और 12 पर कर दे रहा हूँ कनेक्शन इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से एक कनेक्शन कर लिया हूँ और इसका भी सेम टू सेम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, इसका भी कनेक्शन हो चुका है। अब मेरे पास 2 वायर बचा है जो मैं आपको बोला, ये स्क्वायर वाला, तो ये आपका माइनस हो जाएगा बैटरी का। और ये जो ब्लू वाला है इसको हम लोग 0 का साथ कनेक्शन कर लेंगे और ये हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से ये भी कनेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों, चलिए इसका बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं। तो एक इसमें कनेक्शन करेंगे पॉजिटिव और इसमें होगा नेगेटिव। तो मैं इसमें नेगेटिव कर लेता हूँ। और दोस्तों, इस तरह का आरपीएस किट का इन्वर्टर आप घर पर बना के जला सकते हैं। तो मैं जला रहा हूँ ठीक है दोस्तों, थोड़ा अंधेरा कर दे रहा हूँ जो आप लोगों को दिखेगा। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, प्लस माइनस अब जलेगा, देख सकते हैं, ये थोड़ा लोड ज़्यादा ले रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये 12 वाट का एलईडी जल रहा है मिनी इन्वर्टर से। तो आप इस तरह से घर पर बना के जला सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉच हरी टेक्निकल। थैंक्स।